रामविलास जी के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान, जो इन दिनों LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बयान देते हैं, अखबारों में बयान छपते हैं। और चिराग पासवान ने नेताजी घेरे में ही कहा है कि मेरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कई महीनों से बातचीत नहीं हुई, मिलने का समय नहीं मिलता, हमारी मंत्रिपरिषद में कोई भागीदारी नहीं है। आप लोग संगठन के सूत्रधार रहे, गठबंधन के सूत्रधार रहे, कभी आपने बीच बचाव नहीं किया कि भाई आप मुलाकात करवा दें चिराग जी की और नीतीश जी की? नहीं, देखिए मैं इतना ही कहूँगा इस पूरे विवाद पर कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी थोड़ी बहुत समस्या दिखाई पड़े उसका बहुत शीघ्र समाधान हो जाएगा। और बिहार में लजप्पा, जदयू, मांझी जी, BJP सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चाहे मैं इतना ही कह सकता हूँ। मतलब टिकट बंटवारे को लेकर किसी के जो भी है, देखिए राजनीति में बयानबाजी होती रहती, कब किसने कौन बयान दिया, किसके खिलाफ बोला, मैं उसका बहुत उसको बहुत महत्व नहीं देता हूँ। और थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, और देखिए ये अगर कोई समस्या है तो ये समाधान करना ये मेरे बूते के बाहर की चीज़ है। ये सब केंद्र के नेता हैं, दिल्ली से जुड़े लोग हैं, और हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है बहुत मैच्योर, समझदार और सब चीज़ों को जानती हैं, और वो चीज़ों का समाधान करने में लोग लगे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका रास्ता निकल जाएगा। एक रास्ता 2000 में भी निकालने की कोशिश की गई थी, जब कई जो एक बिहार से टर्म निकला है, यूपी से, बिहार से, जहाँ से हम और आप आते हैं, बाहुबली विधायक 2000 में भी खूब चुनकर आए थे, कई आपके समर्थन में भी आए थे, तो वो जो एक पैराडाइम शिफ्ट है कि आप विद्यार्थी परिषद की ज्ञानशील एकता वाली राजनीति कर रहे हैं, 10 साल विधानसभा में रहते हुए आपने उस कल्चर का विरोध किया, और फिर सरकार बनाने की ऐसी विवशता कि उन्हीं लोगों को साथ में लाना पड़ा, चाहे 2000 में हो या 2005 में जो फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं तब हो, तो ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट आपके लिए कैसा था? नहीं देखिए, कठिनाई तो ये होती है राजनीति में, अब सरकार नहीं बन रही है तो सरकार, और वो MLA हैं जी, अब वो माननीय हैं, माननीय विधायक हैं, उनके भी वोट की एक कीमत है, इसलिए आपको अगर उनका समर्थन लेना तो आपकी मजबूरी है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, मैं BJP में हूँ और आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में किसी बाहुबली को घुसने नहीं दिया, और बहुत सारे दर्जनों बाहुबलियों ने हाल फिलहाल तक भी BJP में आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि या तो मैं रहूँगा या वो बाहुबली, मैं BJP पार्टी के अंदर और बिहार भारतीय जनता पार्टी में एक भी बाहुबली किस्म का व्यक्ति को आज तक हम लोगों ने ना प्रवेश होने दिया और न हो सकता है। यही बात आपके मित्र नीतीश कुमार भी कह सकते हैं? नहीं, अब वो उसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन आज बिहार के अंदर जो BJP के लोग हैं जी, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूँगा कौन बाहुबली क्या जो हैं, लेकिन ये बात है कि हम लोगों ने बाहुबलियों को, आज बिहार के अंदर कोई बाहुबली बहुत दिखाई नहीं पड़ता, सारे बाहुबली सीन से गायब हो गए, जो तथाकथित बाहुबली एक ज़माने में कहे जाते थे या तो जेल में बंद हैं या फिर जनता ने उनको धूल चटा दिया, इसलिए आज वो गठबंधन के साथ हैं, हैं तो वो कुछ गड़बड़ करने की स्थिति नहीं है। देखिए एक बात बता दूं, 15 साल के अंदर कोई यह नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने या हम लोगों ने किसी को बचाने का काम किया है। अगर हमारी पार्टी से भी जुड़ा व्यक्ति होगा, अगर अपराध या गलत काम किया है तो हम किसी को बचाएंगे नहीं, किसी को पैटर्नाइज नहीं किया। ये ठीक है, अलग अलग दलों में, सहयोगी दलों में कई इस प्रकार के लोग जो हैं और जीत कर आ गए हैं, हैं जीत कर जो हैं, तो राजनीति की जो कुछ मजबूरियां होती है वो है मजबूरियां। ऐसी ही एक मजबूरी 2003 में आपके सामने पेश आई, आप नेता प्रतिपक्ष थे, JDU और समता पार्टी का मर्जर हुआ फाइनली, और नीतीश जी के चहेते विधायक जो अब नज़र भी नहीं मिलाते हैं दोनों नेता, उपेंद्र कुशवाहा जी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। नहीं, मैं लोकसभा जीत के चला गया था, अब वो 2004 में हुआ था, पर ये 2003 का घटनाक्रम, चूँकि उनकी संख्या बढ़ गई, पर बड़ा दिल आपकी पार्टी ने भी तो दिखाया था 2000 में, संख्या ज़्यादा होने पर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र ने प्रयास किया, वेंकैया नायडू ने, यहाँ तक कि जॉर्ज ने भी प्रयास किया था कि BJP का ही विधायक दल का नेता बने, लेकिन सहमति नहीं बन पाई तो उनकी संख्या बढ़ गई तो वो विधायक दल के नेता बन गए उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार नहीं माने, ये बात आप नहीं कहना चाहते? मैंने जो भी हुआ उस समय, जो हर समय के देखिए अलग अलग स्थितियाँ होती हैं जी, और हर आदमी अपनी पार्टी को एक बेहतर स्थिति में रखना चाहता है, तो जो भी उनका कैलकुलेशन रहा होगा उस समय।
क्या कैलकुलेशन था पार्टी का कि आप विधायक थे और आपको भागलपुर भेज दिया लोकसभा लड़ने? नहीं, भेज नहीं दिया गया। मैंने प्रमोद महाजन जी से कहा कि 15 साल हो गया मुझे संसद में जाने की इच्छा। तो प्रमोद जी ने कहा किसी से चर्चा मत करना। और मैं तो समय इलेक्शन कमेटी में भी था, भारतीय जनता पार्टी की समय जो केंद्रीय चुनाव समिति थी मैं उसका सदस्य था। तो उन्होंने कहा कि पहले से अगर प्रचार हो जाए कि तुम लड़ने जा रहे हो तो बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। तो अंतिम किसी को पता भी नहीं चला, जब घोषणा हुई तो लोग अवाक रह गए कि सुशील मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं तो भागलपुर जहाँ से गया चुनाव लड़ने के लिए, मैं तो उसके पहले 2-3 बार गया था वहाँ की। मैं एक गली छोड़ दूसरी गली भी नहीं जानता था, लेकिन लोगों का इतना प्यार था कि मैं करीब 1,30,000 वोटों से। क्या वजह थी, भागलपुर सेफ सीट लग रही थी? नहीं, वो खाली थी सीट, क्योंकि वहाँ पर जो उम्मीदवार थे बीजेपी के वो 99 का चुनाव हार चुके थे, उनकी थोड़ी उम्र भी हो गई थी, तो बाकी तो कोई सीट खाली थी नहीं। और देखिए, सब संजोग होता, मैं जो विधायक बना, अगर डॉक्टर शैलेंद्र राव श्रीवास्तव अगर MP नहीं बने होते तो मैं विधायक नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं जहाँ मेरा निवास है पटना, तो वो वहाँ से MLA थे, वो चुनाव हार गए थे 85 का, और 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो लड़ गए और जीत गए, संजोग से राम जन्मभूमि की हवा थी वो जीत गए, तो खाली हो गई तो मैं MLA बन गया। तो राजनीति में बहुत संजोग रहता है। तो भागलपुर की सीट खाली थी, और चूंकि नेता प्रतिपक्ष वगैरह रहने के कारण लोग जानते थे पूरे बिहार के, उसने था कि कहीं से भी जाकर लड़ेंगे तो एक अच्छी लड़ाई तो दे ही सकते हैं। तो मैं भागलपुर चला गया और मैं जीत गया वहाँ से।